गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप आप लोगों का तैयारी तो खैर बहुत अच्छी चल ही रही है। आपको कुछ टिप्स भी आज सर ने साझा किए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। मैं भी लास्ट कुछ मिनट्स में जुड़ी हुई थी सेशन से। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था सर का। आप सभी का आज के सेशन में मैं स्वागत कर रही हूँ और आशा कर रही हूँ आप सभी लोगों की तैयारी और आप सभी लोग स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं और तैयारी तो आप लोगों की जोरदार चल ही रही है। हेलो सोमदत्त जी, दुनेश्वर जी, श्रीदेवी जी और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को नमस्ते और हेलो। आई होप आप सभी को मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा और फिर से आज जो है मेरा कैमरा नहीं ठीक से फंक्शन कर रहा, बट आई होप मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है और स्क्रीन दिख रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन भी है जो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जनरल बैंकिंग के और कुछ लेके आए हैं। जैसे कि हम 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसी कड़ी को हम आगे आज बढ़ाएंगे और ये भी ओपन एंड क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शंस आपके पास नहीं रहेंगे तो आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं, बट चैट के थ्रू आंसर दीजिएगा। और बस तो इसी नोट पर फिर आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी तैयार हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए चैट में और बता दीजिए कि आप सभी तक जो है मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो फिर हम आज का जो है सेशन चालू करेंगे। दीपक जी ने यस कर दिया है। आज मेरा जो है कैमरा जूम का फिर से नहीं चल रहा है, मैंने काफी ट्राई कर रही हूँ बट फिर ये पीपीटी जो है क्लोज होती जा रही है। बट एनीवेज आप सभी को आवाज आ रही है तो सेशन तो हम आज का स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो अब ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एज पर द गाइडलाइंस अ टाइम डिपॉजिट विल बी कंसिडर्ड बल्क डिपॉजिट इफ। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक टाइम डिपॉजिट को आप बल्क डिपॉजिट समझेंगे अगर क्या होगा, इफ दिया है आपको बताना है किस केस में आप टाइम डिपॉजिट को एक बल्क डिपॉजिट समझेंगे। राहुल जी ने, सुंदर जी ने कहा है अगर 2 करोड़ एंड अबव रहेगा तो आप उसे बल्क डिपॉजिट कह सकते हैं। ठीक है, आशीष जी भी कह रहे हैं 2 करोड़, सत्येंद्र जी कह रहे हैं 2 करोड़, इफ 2 करोड़ एंड अबव, श्रीदेवी जी का भी कहना है, दुनेश्वर जी भी कह रहे हैं 2 करोड़। ओके, बाकी सब लोग भी बताइए आप लोगों को क्या लगता है। एक टर्म टाइम डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट आप लोग कब कहेंगे, फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, सभी का मानना है 2 करोड़ से प्लस, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है। अगर अमाउंट जो है सिंगल एफडी का 2 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आप एक टाइम डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट कंसिडर कर सकते हैं। वेरी वेल डन, सही जवाब। चलिए शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई ही हमारी, रॉकेट स्पीड से आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी वेल डन। फुल फॉर्म बता दीजिए इसी नोट पर, FATF का, FATF का फुल फॉर्म क्या है। अविनाश जी ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, बट अब आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF। एनी गैसेस, आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि FATF का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, श्रीदेवी जी कह रही है, पवन जी का भी यही कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होगा FATF का फुल फॉर्म। बाकी लोग भी बताइए फटाफट, हम 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा के चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं हमारे पास, ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक रहे आंसर्स देने की फटाफट। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में लगता है डाउट है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसको कहेंगे आप FATF, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसे कि आप सभी अब आंसर्स दे रहे हैं। चलिए वेरी वेल डन, सही जवाब है। सोमदत्त जी, दया जी ने भी यही जवाब दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ही बताना है आपको पर NCLT का फुल फॉर्म बताना है। NCLT, इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पवन जी और श्रीदेवी जी ने जवाब दिया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है NCLT। और बाकी लोगों को क्या लगता है आप भी बता दीजिए फटाफट। राहुल जी का भी ये कहना है, सुंदर जी का भी ये कहना है। ठीक है, तो जब सभी लोगों का एक मत से कहना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल सही जवाब है। NCLT का फुल फॉर्म आप लोगों ने जो बताया एकदम सही है। कुमकुम जी, सत्येंद्र जी, आप सभी जिन्होंने आंसर दिया है, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए वेरी वेल डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ अ फ्रॉड टेक प्लेस इन अ बैंक,
इट्स रिपोर्ट शुड बी सेंड टू आरबीआई इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड विद इन हाउ मेनी डेज. बोल रहे हैं अगर कोई फ्रॉड होता है बैंक में तो उसकी रिपोर्ट आपको आरबीआई को इलेक्ट्रॉनिकली भेजनी पड़ती है, इररिस्पेक्टिव कि कितना भी अमाउंट हो फ्रॉड का, कितने दिन में वो रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है फ्रॉड की, बताइए विद इन हाउ मेनी डेज, कि फ्रॉड के कितने दिनों के अंदर आपको वो रिपोर्ट भेजना रहता है आरबीआई को इलेक्ट्रॉनिकली, फटाफट बताइए चैट में. अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो उसका रिपोर्ट आरबीआई को इलेक्ट्रॉनिकली कितने दिनों में भेजना पड़ता है, चाहे अमाउंट कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. श्रीदेवी जी का कहना है कि मे बी 7 डेज. विद इन हाउ मेनी डेज, फ्रॉड होने के कितने दिनों के अंदर आपको भेजना है. दिनेश्वर जी कह रहे हैं 60 डेज, 22 आवर्स, 3 डेज, 15 to 12 days. तो काफी सारे मिक्स्ड आंसर्स है हमारे पास. कुछ साथियों का कहना है कि कुछ 60 डेज भी कह रहे हैं, कुछ 48 आवर्स कह रहे हैं. फ्रॉड होने के विद इन कितने दिनों के अंदर हम लोग ये रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है. अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है बैंक में तो विद इन हाउ मेनी डेज. और बाकी सब साथियों को क्या लगता है फटाफट. अगर बीच में आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे चैट में लिख के बताइएगा, क्योंकि मेरा जूम जो है काफी रुक रहा है. चलिए ठीक है. ओनली 7 डेज आप लोगों का कहना है, कुछ का 15 डेज, कुछ का 60 डेज. बट जो सही जवाब है वो होगा 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जब पता चला है कि आपको फ्रॉड हुआ है उसके 21 दिनों के अंदर आपको आरबीआई को फ्रॉड की रिपोर्ट भेजनी है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कोई भी मेल के थ्रू या कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी इंटरनेट के थ्रू आप भेज सकते हैं, चाहे कितना भी अमाउंट हो, बट 20 डेज के अंदर आपको भेजना है उस फ्रॉड की रिपोर्ट आरबीआई को. आई होप दिस इज क्लियर. 21 डेज इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने. शॉर्टेज ऑफ कैश विद रिसीविंग कैशियर विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड इफ द अमाउंट शॉर्ट कैश इज. अगर मान लीजिए शॉर्ट है कैश कैशियर के पास, उसको कब आप कितने अमाउंट अगर होगा तो आप उसे फ्रॉड कंसिडर करेंगे. ठीक है, 10,000, 10K. राजेश जी का ये कहना है, सत्येंद्र जी, सुमदत जी, सब जितने लोग अभी जवाब दे रहे हैं सभी कह रहे हैं कि 10K जो है सही जवाब है. अबव 10, पवन जी का कहना है, दुनेश्वर जी का कहना है अबव 10,000, 10K. कुमकुम जी का भी कहना है. चलिए 30 सेकेंड्स का क्लॉक हम लगा के चल रहे हैं. सभी जितने भी हम लोग जुड़े हैं सेशन में, कोशिश करिए आंसर टाइप करके भेज पाए. ठीक है, लोकेश कुमार जी भी कह रहे हैं 10,000 रुपए. चलिए ठीक है, अबव 5,000 इफ कैशियर नॉट टोल्ड, इफ कैशियर टोल्ड देन अबव 10,000. ऐसा राहुल शुक्ला जी का कहना है कि 5,000 अगर कैशियर ने बताया है और नहीं बताया तो 10,000 से ऊपर, 10,000 एंड अबव. विनय जी का भी यही कहना है. तो हाँ, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, सॉरी, मोर देन 10,000 और अमाउंट इज मोर देन ₹5,000, बट शॉर्टेज इज नॉट रिपोर्टेड बाय कैशियर बट डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट. जैसे कि आप में से एक साथी ने बताया, ये सही जवाब है. अगर 10,000 रुपये से ज्यादा हो या फिर अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो, पर शॉर्टेज जो है वो कैशियर द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई हो पर मैनेजमेंट ने डिटेक्ट की हो, तो चलिए सही जवाब है आप सभी का. कुमकुम जी कह रही हैं कि आज के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था सीबीआई के पेपर में. चलिए बड़े बहुत अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन आया है, रिकॉल क्वेश्चन एक हमारे पास है आज के सेशन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स और ऑन द किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू ₹3 लाख. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्रॉप लोन्स होते हैं या जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं 3 लाख तक के लिए? राहुल जी ने जवाब दिया है 1.5%. ओके, बाकी सब लोग भी बताइए जल्दी से, रॉकेट स्पीड से जवाब दीजिए. सोमदत जी का भी कहना है 1.5, 1.5. दया जी कह रहे हैं, लोकेश जी कह रहे हैं 1.5, 1.5% कह रहे हैं आप सभी लोग. सत्येंद्र कुमार जी का भी कहना है 1.5. बाकी लोग भी फटाफट जवाब दीजिए. सत्येंद्र जी, लोकेश जी, आप लोगों ने, सभी लोग अभी एक मत से कह रहे हैं 1.5% होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे जब जो जब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स या किसान क्रेडिट कार्ड्स की बात की जाए तो. चलिए दीपक जी का भी कहना है कि
1.5 होना चाहिए, बट यहाँ पर अप टू 3 लाख अगर है तो 2% होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि 1.5%। 2% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, अप टू 3 लाख रुपीज। 3 लाख तक के जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन रहेंगे उस पर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इसका आंसर एक्चुअली 1.50 ही है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं कि चेंज हो गया, ये ओल्ड परसेंट है। आई वेरी वेल अग्री विथ यू। तो हाँ यहाँ पर 1.5 जो है आपका सही जवाब है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए इट्स 1.5%। इसको हम करेक्शन कर लेंगे। बट जी हाँ आप लोगों ने दिया है सभी ने सही जवाब, तो 1.5% इज द राइट आंसर। चलिए इसको मॉडिफाई कर देंगे जब हम आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड करेंगे, तो डोंट वरी सोमदत्त जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पेमेंट बैंक्स इन इंडिया आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक पेमेंट्स बट कैन नॉट इश्यू लोन और अदर फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स। जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड डैश विद द स्टेक ऑफ 70:30। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पेमेंट बैंक है जो इंडिया में एक स्पेशल कैटेगरी के बैंक्स हैं, जिन जो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट पेमेंट्स कर सकते हैं पर लोन नहीं दे सकते किसी भी प्रकार के रूप में, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं दे सकते। जियो पेमेंट्स है जो एक बैंक लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, रिलायंस इंडस्ट्री और डैश के बीच में। उनका स्टेक बताया गया है कि 70:30% है। रिलायंस इंडस्ट्री और कौन है आपको बताना है, रिलायंस इंडस्ट्री का किसके साथ जॉइंट वेंचर है पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का, और उनका स्टेक जो है वो है 70:30। SBI, राहुल जी कह रहे हैं SBI के साथ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जॉइंट वेंचर है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नाम से। बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, सोमदर जी कह रहे हैं HDFC, जितेंद्र जी कह रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का अंदाजा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि राहुल जी ने कहा जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्री और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, और उनका जो स्टेक है वो है 70:30, 70:30 का उनका रेशियो है, तो यहाँ पर SBI के साथ है। आप ध्यान रख सकते हैं, जिनको नहीं आइडिया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन इशू करता है? FSR इज इशूड बाय होम और बाय वॉट? आपको बताना है FSR कौन इशू करता है। फटाफट बताइए आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इश्यू किसके द्वारा की जाती है? राहुल जी कह रहे हैं RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इश्यू की जाती है। लोकेश जी कह रहे हैं कि RBI। सोमदत्त जी का भी कहना है RBI इशू करता है। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कुमकुम जी का कहना है RBI कह रहे हैं। सत्येंद्र जी, दीपक जी भी कह रहे हैं RBI। विनेश्वर जी का भी कहना है, शेखर दास जी का भी कहना है कि RBI इज द राइट आंसर। ठीक है, लगभग सभी लोग, एक दो लोग मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के साथ जा रहे हैं, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि RBI द्वारा इशू की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, सही जवाब जो है हमारा है RBI। जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा RBI जो है इशू करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। चलिए वेरी वेल डन, बहुत सारे लोगों ने RBI जवाब दिया, जिनको डाउट था वो ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के लिए। व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल और ओवरड्यू इंपोर्ट बिल? क्रिस्टलाइजेशन जो है क्या होता है जब हम बात करें ओवरड्यू एक्सपोर्ट्स और ओवरड्यू इंपोर्ट बिल की, उस केस में क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाएगा? आपको फटाफट बताना है। ये क्वेश्चन शायद एक सेशन हमारे पास पीछे भी था, तो फटाफट बता दीजिए आप लोगों को याद है कि नहीं। कहाँ
कन्वर्ट इन इंडियन करेंसी, लोकेश जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं चेंज टू फॉरेन करेंसी टू INR करेंसी। जी हाँ, कन्वर्जन के बारे में, फॉरेन करेंसी से INR करेंसी। और बाकी लोगों को क्या लगता है, कन्वर्ट इनटू INR, ठीक है, फॉरेन करेंसी इनटू INR करेंसी, ठीक है। राजीव नयन जी और सोमदत्त जी ने भी जवाब दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉरेक्स लाइबिलिटी को रुपी में कन्वर्ट करना, यानी कि फॉरेन करेंसी को INR में या इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने को आप क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल या इंपोर्ट बिल। तो वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, ध्यान है आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमने पिछले एक आध सेशन में और देखा था। चलिए बहुत अच्छी बात है दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये भी आप लोगों को बिल्कुल रॉकेट स्पीड से बता देना चाहिए। जी राजीव नैन जी ने कह दिया 1.5 लाख। बताइए मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन क्या है अंडर 80C इनकम टैक्स में, अगर हम 80C के अंदर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो कितने अमाउंट मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट सब लोग जवाब दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख। जी हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में रुपीज 1.5 लाख रुपए आप लोगों को हम लोगों को डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, मैक्सिमम अमाउंट ही पूछ रहे हैं ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020। आपको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन का सैलरीज और पेंशन से, 2019 और 20 की बात कर रहे हैं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020। लोकेश जी ने कहा है 40,000, बाकी लोगों को क्या लगता है, 2.5 लाख, 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपए कह रहे हैं राहुल जी, सोमदत्त जी का कहना है 40,000। $50,000 अविनाश जी कह रहे हैं, शेखर जी का कहना है 5,000, 50K राजीव नयन जी भी कह रहे हैं 50K, 2.5 लाख एक और आंसर है, काफी मिक्स आंसर है। सत्येंद्र जी का कहना है 2.5 थाउजेंड, 2.5K, मतलब कि 2.5 लाख रुपए ही कहना चाहते होंगे वो भी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 40,000 जो है वो मैक्सिमम अमाउंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन है 2019 और 20 की बात करें फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन, तो यहाँ पर जो सही जवाब है 40,000, जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने चैट में जवाब दिया, 40,000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, फिर से मैक्सिमम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अमाउंट की नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच इंफॉर्मेशन सॉट अंडर RTI एक्ट शुड बी सेंड। मैक्सिमम पीरियड क्या है जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन सॉर्ट करके या ढूंढ कर RTI एक्ट के अंदर भेजनी पड़ेगी। 30 डेज, लोकेश जी, दया जी और एक और हमारे साथी कह रहे हैं 30 डेज होना, 30 डेज के अंदर। सतेंद्र जी कह रहे हैं 30 डेज, 30 डेज, ट्वेंटी 1 डेज कह रहे हैं, राजेश नंद जी कह रहे हैं 30 डेज। चलिए जितेंद्र जी का कह रहा है 21 डेज, बट यहाँ पर जो है आंसर जो आप लोगों का सही है वो है 30 डेज, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी है तो फॉर 48 आवर्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को आपको सॉर्ट करके सेंड करना पड़ेगा। तो 30 डेज इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि आप लोगों ने कहा, वेरी वेल डन, 30 डेज जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब ऑप्शंस तो है नहीं, आप लोग बता सकते हैं कि वैसे वेब ब्राउजर से तो हम लोग जानते ही हैं कि वेब ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं, क्रोम होता है, फायरफॉक्स। तो जो अगर ऑप्शंस में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया हो और ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो वो वेब ब्राउजर कहलाएगा। यहाँ ऑप्शंस नहीं है तो मैं सीधे आपके पास आ जाती हूँ ऑप्शंस मतलब आंसर के साथ। तो यहाँ पर इन्फोसीक अगर आप देखें ऑप्शंस में और पूछें क्या वेब ब्राउजर नहीं है, तो इन्फोसीक इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये काफी विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही
डिफरेंट हो जाएगा. चलिए. द गवर्नमेंट हैज सोल्ड एनिमी शेयर्स वर्थ अराउंड ₹1,150 crore इन आईटी मेजर डैश टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने अप्रैल 2019 में एनिमी शेयर्स जो बेचे थे ₹1,150 crore आईटी मेजर में किस टू लाइफ किसको बेचे थे, या फिर आईटी मेजर डैश टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. तो आपको बताना है कि ये एनिमी शेयर्स का जो भी सेलिंग हुआ था वो किसके बीच में हुआ था. अमाउंट दिया है, टाइम दिया है. अगर आपको आइडिया है तो फटाफट चैट में बताइए. ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है. अडानी कह रहे हैं, अडानी कह रहे हैं या अंबानी कह रहे हैं सर, मुझे पता नहीं है. बट ये क्वेश्चन जो है काफी थोड़ा सा डिफरेंट है जो क्वेश्चन हम डेली देखते हैं. तो सीधे हम आंसर पे जंप करेंगे. यहाँ पर विप्रो, आईटी मेजर विप्रो ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ ये डील करी थी. जनरली एनिमी प्रॉपर्टी रिफर्स टू द असेट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और चाइना एंड आर नो लॉन्गर सिटीजन इन इंडिया. तो यहाँ पर एनिमी शेयर्स को भी डिस्क्राइब किया गया है कि एनिमी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो कि उन लोगों द्वारा छोड़े गए हैं जो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान या चाइना में शिफ्ट हो गए हैं और अब लॉन्गर हमारे यहाँ पे सिटीजन नहीं है. तो ये जो डील हुई थी वो आईटी मेजर विप्रो और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बीच में हुई थी, जहां पर एनिमी शेयर्स को सेल किया गया था. चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ₹20 कॉइन्स विल बी इशूड इन विच से शेप. 20 रुपए के कॉइन्स कौन से शेप में इशू किए जाएंगे. ये तो आंसर्स आपको फटाफट बता देने चाहिए. रॉकेट स्पीड से चैट में आपको आंसर देना चाहिए. 20 रुपीज के कॉइन की बात कर रहे हैं, ये कौन से शेप में जो है इशू किए जाएंगे. श्रीदेवी जी का कहना है राउंड शेप में. बाकी सब साथियों का क्या कहना है, कौन से शेप में लगता है आपको. ठीक है, राउंड. अविनाश जी भी कह रहे हैं, चंदन जी कह रहे हैं राउंड सर्कल, जो कि इशू हो गए हैं, वैसे ऑलरेडी इशूड हो गए हैं. राजेश नंद्र जी, आराध्य जी, सत्येंद्र जी, सभी लोगों का कहना है राउंड, जो कि बिल्कुल ही लगभग सही जवाब है. बट ये जो जो, जो शेप है उसको आप डॉज केगन नाम से जानेंगे. डोड केगन, डोडे डोड केगन नाम से. द ₹10 कॉइन वॉज फर्स्ट इशूड इन 2019, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आफ्टर द इशू ऑफ ₹10 कॉइन, द सेंटर अनाउंस्ड इन मार्च 2019 अ न्यू कॉइन ऑफ 20 डिनोमिनेशन विच विल बी इन अ 12 एज्ड पॉलीगॉन विच इज अ डोड केगॉन शेप. तो यहाँ पे राउंड तो नहीं होगा, बट द जो टर्म है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए. एक 12 एज का पॉलीगॉन होगा, उसे जो जिसे कहते हैं डोज केगॉन. तो ये इसको ध्यान रख सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर 12 एज का पॉलीगॉन रहेगा, 20 रुपीज का कॉइन. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड इन इंडिया विथ बटन्स. ऐसा कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट इंटरैक्टिव कार्ड जो लॉन्च किया है इंडिया में, जिसमें एक बटन्स है. बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ऐसे क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किए हैं. फटाफट बताइए चैट में. एनी आइडिया, आप लोग गेस भी कर सकते हैं. यस बैंक कह रहे हैं राजेश जी. आईसीआईसीआई लोकेश जी का कहना है, अविनाश जी का भी कहना है एचडीएफसी या आईसीआईसीआई. श्रीदेवी जी कह रही हैं, दीपक जी कह रहे हैं कैनरा बैंक ने किया है, आराध्या जी कह रही हैं एचडीएफसी इंडसइंड, राहुल जी कह रहे हैं, तनेश्वर जी कह रहे हैं आईसीआई सेंट्रल बैंक, विनय गुप्ता जी कह रहे हैं. चलिए ठीक है, लगभग सारे ही बैंक हमने कवर कर लिए. बट यहाँ पर इंडसइंड जो बैंक है उसने ऐसे फर्स्ट इंटरक्टिव क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च किए हैं जिसमें बटन्स हैं. तो यहाँ पर इंडसइंड ने ये काम किया है. तो चलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडसइंड बैंक ने ऐसे क्रिएट इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड्स को फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च किया है. तो यहाँ पर इंडसइंड ने ये काम किया है.
IDFC Bank has proposed to change its name to Dash as it is in the process of amalgamating non-banking financial company Capital First with itself. IDFC Bank ने क्या प्रपो क्या चेंज प्रपोज किया है अपने नाम में, क्योंकि वो अभी अमालगमेशन कर रहे हैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैपिटल फर्स्ट के साथ. तो क्या आपको ध्यान, IDFC क्या अपने नाम में चेंज लाने वाला है, क्या प्रपोज किया है वो आपको बताना है. एनी आइडिया? ठीक है, तो देख लेते हैं. यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है, IDFC फर्स्ट बैंक. तो यहाँ पर क्योंकि वो कैपिटल फर्स्ट के साथ अमालगमेशन कर रहा है, तो अपने नाम में वो कैपिटल फर्स्ट का फर्स्ट ऐड कर रहा है. IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड हो जाएगा, ऐसा उसने नया अपना नेम जो है प्रपोज किया है. चलिए, आई होप दिस इज क्लियर. आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोई जब चैट में जो भी जो चैट में कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरा कनेक्शन तो लॉस्ट नहीं हो गया. चलिए, थैंक यू सो मच. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL एंड इट्स मीनिंग? DSL और उसका मीनिंग आपको बताना है कि फुल फॉर्म ऑफ DSL क्या है और उसका मतलब क्या है. What is the full form of DSL and its meaning? Any idea? ठीक है, तो फिर से मैं साइलेंस देख रही हूँ चैट में, तो आगे बढ़ जाती हूँ मैं. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, एक कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट को कॉपर वायर के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन में पहुंचाता है. तो यहाँ पर DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL इज अ कम्युनिकेशन मीडियम बेस्ड यूज सॉरी मीडियम यूज टू ट्रांसफर हाई स्पीड इंटरनेट ओवर स्टैंडर्ड कॉपर वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन. चलिए, आई होप दिस इज क्लियर. DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने. मिनिमम पीरियड बताना है फॉर विच एनरेरा टाइम डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड बाय बैंक. मिनिमम पीरियड क्या है जब एनरेरा टाइम डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट कर सकता है? मिनिमम पीरियड क्या है बताइए फटाफट. व्हाट इज द मिनिमम पीरियड? ठीक है, राहुल जी कह रहे हैं 1 ईयर. मुझे लग रहा था कि 2 क्वेश्चन से आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं फिर से मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं. एनीवेज, चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर 1 ईयर कहना है राहुल जी का, जो कि बिल्कुल सही जवाब है. मिनिमम पीरियड 1 साल का है एनरेरा टाइम डिपॉजिट में, जो कि एक्सेप्ट हो सकता है बैंक के साथ. आराध्या जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1 ईयर इज द राइट आंसर. चलिए, अगला प्रश्न आ गया है. विच बैंक हैज डिवाइज्ड अ स्कीम फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ NRI विदाउट एनी पेपर? कौन से बैंक ने ऐसा स्कीम डिवाइस किया है जहां पे NRI बिना कोई पेपर्स के अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? NRE फिक्स डिपॉजिट, राहुल जी कह रहे हैं, बट कौन सा बैंक है? विच बैंक हैज डिवाइस्ड दिस स्कीम? कौन से बैंक ने ये स्कीम डिवाइस की गई है? एनी आइडिया? चलिए, लेट्स सी द आंसर. यहाँ पर IDBI बैंक है, उसने लॉन्च किया है NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, जो कि NRI अगर कोई जो कि NRI है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज के, वो इस स्कीम में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं. द पर्सन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड KYC प्रूफ फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट विद द बैंक. IDBI ने ऐसा सिस्टम लाया है कि जो पर्सन है NRI, उसको कुछ भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या KYC प्रूफ के लिए नहीं देना पड़ेगा अगर वो अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं. तो इसको कहेंगे NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट, जो कि IDBI बैंक ने लॉन्च किया है. चलिए, आई होप दिस इज क्लियर. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ. हु कैन नॉमिनेट इन डिपॉजिट अकाउंट? डिपॉजिट अकाउंट में कौन नॉमिनेशन दे सकता है? अब ये तो आप लोगों को फटाफट चैट में बताना ही चाहिए. ठीक है, इंडिविजुअल पहला आंसर आया है राहुल जी का, बाकी लोग भी जवाब दीजिए. हु कैन नॉमिनेट इन डिपॉजिट अकाउंट? इंडिविजुअल लोकेश जी का भी कहना है.
मैं 30 सेकेंड्स ही नहीं, आई विल टेक 20 सेकेंड्स का वो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अकाउंट होल्डर इंडिविजुअल आप लोग जवाब दे रहे हैं. यहाँ पर जो सही जवाब है, कोई भी सोल प्रोप्रिएटर यानी कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या सोल प्रोप्रिएटर जो है नॉमिनेट कर सकता है डिपॉजिट अकाउंट्स में. आप लोगों का कहना सही है, बिल्कुल इंडिविजुअल और सोल प्रोप्रिएटरशिप फर्म नॉमिनेट कर सकते हैं डिपॉजिट अकाउंट में. वेरी वेल डन. व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट वेरियंस फॉर वॉर विंडोज एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनल्स हुज सैलरी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सिंडिकेट बैंक? इंटरेस्ट रेट बताना है जो कि वॉर विंडोज हैं, विंडोज नहीं है, वॉर विंडोज हैं और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनल्स हैं, उनकी सैलरी सिंडिकेट बैंक द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. यहाँ पर है 0.75%. ये सिंडिकेट बैंक वालों के लिए स्पेसिफिकली है. तो आप में से कोई अगर है सिंडिकेट बैंक में, मतलब कैनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक, 0.75% है जो कि रिलेटेड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट. कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स टू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इज कॉल्ड? अगर आप अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बताइए क्या कहा जाएगा कन्वर्जन फिजिकल शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में? ठीक है, डिबेंचर. दया जी का कहना है डिबेंचर कहलाएगा. आपके फिजिकल शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हैं, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डीमटेरियलाइजेशन. अगर फिजिकल शेयर्स हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो डीमटेरियलाइजेशन कहा जाएगा. जी हाँ, अविनाश जी और कुमकुम जी ने जवाब दिया है डीमटेरियलाइजेशन. यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो डीमटेरियलाइजेशन इज द आंसर. यहाँ पर लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अगेंस्ट आप लोन चाहते हैं तो किस बेसिस पे दिया जाएगा लोन? ठीक है, एसवी वैल्यू राहुल जी का कहना है. ठीक है, सरेंडर वैल्यू पे. दया जी का भी कहना है, सोमदत्त जी का भी कहना है, सत्येंद्र जी का भी यही कहना है कि एसवी वैल्यू सरेंडर वैल्यू पे दिया जाएगा. अविनाश जी का भी यही कहना है जो कि बिल्कुल सही है. आराध्या जी, लोकेश जी, तुनेश्वर यादव जी, आप सभी लोग सही कह रहे हैं. तुने अगर आप लोगों को लोन चाहिए इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे तो सरेंडर वैल्यू पर के बेसिस पर दिया जाएगा. वेरी वेल डन. राइट ऑफ क्रेडिटर्स टू होल्ड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द डिपॉजिटर टिल क्रेडिटर्स ड्यूज आर पेड इज कॉल्ड? जो भी राइट्स है क्रेडिटर्स के वो पोजेशन अपने गुड्स और सिक्योरिटीज का रख सक डिपॉजिटर के गुड्स और सिक्योरिटीज को रख सकते हैं जब तक क्रेडिटर के जो ड्यूज हैं वो पेड नहीं होते, इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? राहुल जी का जवाब है प्लेज कहा जाएगा. ऐसे अरेंजमेंट को प्लेज कहेंगे. ठीक है, सोमदत्त जी का भी कहना है प्लेज. बाकी लोगों को भी फटाफट बताना है क्या कहेंगे इस अरेंजमेंट को. आपको क्या लगता है दीपक जी, अविनाश जी, सत्येंद्र जी का भी कहना है प्लेज. प्लेज कहा जाएगा इस टाइप के अरेंजमेंट को. नहीं, यहाँ पर इसको लीन कहेंगे. जो जब जो भी क्रेडिटर है उसके राइट्स हैं कि वो डेटर का गुड्स और सिक्योरिटी का पोजीशन रख सकता है जब तक उसके क्रेडिटर्स के ड्यूज पेड नहीं होंगे, इसको आप लीन या लाइन कहेंगे ना कि प्लेज. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा. इस केस में इट इज कॉल्ड लाइन लीन. इन केस ऑफ सेकेंड लोन अंडर पीएमईजीपी टू एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल पीएमईजीपी यूनिट्स हु हैव रिपेड अर्लियर लोन, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और यूनिट एडमिसेबल अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज डैश एंड द सब्सिडी वुड बी. आप बता, इसमें बोल रहे हैं अगर कोई एक ऐसी सक्सेसफुल पीएमईजीपी यूनिट है वो वो दोबारा से लोन लेना चाहती है, वो अपना पहला लोन पे कर चुकी है, तो यहाँ पर जो उसका अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन का मैक्सिमम कॉस्ट और सब्सिडी क्या होगी? राजेश जी कह रहे हैं कि ट्वेंटी थाउजेंड और 15%. राहुल जी का कहना है इस क्वेश्चन में जो हम लोग ये 25
जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों का प्लेज भी सही जवाब था। यहाँ पर जो पेपर, अगर पेपर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो लीन कहेंगे, और प्लेज भी सही है जैसे कि आप लोग कह रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों जवाब जो हैं आपके सही हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रेट ऑफ सब्सिडी होगा, 1 करोड़ रेट ऑफ सब्सिडी। और मिनट, हाँ, तो 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 20% फॉर एनईआर इन हिल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो है ₹1 करोड़ होगा, अपग्रेडेशन जो है मैक्सिमम कॉस्ट, और 15% जैसे कि आप लोग कह रहे थे वो सही है, एंड 15% होगी सब्सिडी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, 20% एनईआर और हिल स्टेट्स के लिए होगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए और हिल स्टेट्स के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। मैक्सिमम कॉस्ट इज 1 करोड़ एंड 15% इज द सब्सिडी। हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019? 2019 अगस्त में फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? अगर आपको मैं तो अपने विनय जी, अपना जो माइक है म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। अरुण जेटली कहना है राहुल जी का। और बाकी लोग कहाँ हैं? कोई आंसर्स क्यों नहीं दे रहा चैट में? इतना सन्नाटा क्यों है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉट नहीं पता, नो आइडिया, या कुछ भी, या कुछ भी गैस भी कर सकते हैं। दिस इज अ लर्निंग सेशन। तो जी हाँ, राजीव नयन जी कह रहे हैं, राजीव कुमार जो कि हमारा सही जवाब है। अर्ली और सुभाष चंद्र गर्ग थे, पर 2019 में राजीव कुमार थे, तो फाइनेंस सेक्रेटरी वॉज राजीव कुमार। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI? IRDAI के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? IRDAI के चेयरमैन का नाम बताना है। एनी आइडिया? जी यहाँ पर दया जी कह रहे हैं डी पांडा, नहीं, दया जी कह रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। डी पांडा कह रहे हैं राहुल जी। यहाँ पर जो है आंसर है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये शायद अपडेट होना होगा ये आंसर, एक बार इसको चेक कर लेंगे। करंट जो है वो देवाशीष पांडा है, डी पांडा। तो यहाँ पर जो है ये आंसर शायद चेंज हो जाएगा, अपडेट होके वो हो जाएगा। देवाशीष पांडा इज द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ IRDAI इज डी पांडा, देवाशीष पांडा जी हैं। चलिए, CRILC मेन रिपोर्ट इज सेंड टू CRILC इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर्स विथ एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ। मेन रिपोर्ट जो है वो CRILC को बोरोवर्स के जो वो है कितना आप, ठीक है, राजीव नयन जी आंसर दे रहे हैं 5 करोड़, राहुल जी कह रहे हैं 50 करोड़, सोमदत्त जी कह रहे हैं 5 करोड़। फाइव करोड़ एंड अबव सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की बात हो रही है। मेन रिपोर्ट जो है वो आप लोग कह रहे हैं, कुछ का कहना है 5CR, जो कि 5CR जो सही जवाब है, 5CR एंड अबव इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो अमाउंट इज 5CR एंड अबव। जी हाँ, वेरी वेल डन, राइट, सभी का सही जवाब है। द रेट एट विच RBI री डिस्काउंट बिल ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड? वो रेट जिसपे RBI बिल ऑफ कमर्शियल बैंक को री डिस्काउंट करता है उसे क्या कहेंगे? उस रेट को किस नाम से जाना जाएगा? रेपो रेट कह दिया है राहुल जी ने। बाकी सभी लोग भी फटाफट जवाब दीजिए। रेपो रेट आपको लगता है क्या? रेपो, ठीक है, कुमकुम जी का भी यही कहना है रेपो रेट, ठीक है, आराध्या जी का भी यही कहना है RR रेपो रेट, रेपो रेट, ओके, सभी लोग रेपो रेट के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे PPT में जो है बैंक रेट हम देख पा रहे हैं।
ये भी मैं एक बार चेक कर लूंगी। यहाँ पर रेट जिस पे आरबीआई री डिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, उसको आखिर क्या कहेंगे? मैं इसको नोट कर लेती हूँ, मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी वेदर इट हैज टू बी अपडेटेड और नॉट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। वो उप्स, नहीं, ओ नो। यहाँ पे मैंने आंसर जैसे आप लोगों को बता ही दिया, मेरी कुछ ज्यादा ही फास्टेस्ट फिंगर्स हो जाती है कभी कभी। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? जॉइंट और सेवरल, जॉइंट लाइबिलिटीज भी होती हैं और लाइबल एज अ पार्टनर एज वेल एज इंडिविजुअल। तो वो हर चीज, अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो वो इंडिविजुअली भी लाइबल होता है और जॉइंट भी लाइबल होता है। काफी सारी जो है लाइबिलिटीज बियर करनी पड़ती है उसको। विच ऑफ द थ्री ग्रामीण बैंक्स इन पंजाब वर मर्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू फॉर्म 1 RRB? तीन ऐसे कौन से ग्रामीण बैंक थे पंजाब के जो कि मर्ज हुए थे, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, 1 RRB बनने के लिए। आप लोगों को ध्यान है तो फटाफट बताइए कौन से ऐसे तीन ग्रामीण पंजाब पंजाब ग्रामीण बैंक थे जिनका मर्जर हुआ था। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक जो है वो मर्ज हुए थे 1 जनवरी 2019 को, और तीनों को मर्ज करके 1 RRB बनाया गया था। पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा एंड सतलुज ग्रामीण बैंक। ओए, तो ये भी क्वेश्चन था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज नॉट फॉर पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैक ओएस है। फॉलोइंग था, यहाँ पे ऑप्शंस थे तो इसलिए हम लोग आंसर्स पे आ गए फास्ट फास्ट। तो मैक ओएस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जवाब होगा मैक ओएस। इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाय हूम? यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एनी आइडिया? अगर आपको ध्यान है तो फटाफट चैट में बताइए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को इशू करते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF एस्टिमेट्स, इंडिया की इकोनॉमी 7.1% से ग्रो करा था फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 19 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट मोर इन फाइनेंशियल ईयर 2021। IMF इज द वेरी राइट आंसर। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को इशू करता है। MCLR का फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCLR? बताइए आप MCLR का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, जितेंद्र जी ने भी यही कहा है, सोमदत्त जी का भी यही कहना है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। बाकी और किसी साथी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट जैसे कि आप लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सही जवाब है। MCLR का फुल फॉर्म होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो वेरी वेल डन, फुल फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। बस एक ऑफ मिस कर दिया आप लोगों ने, बट एग्जाम में ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शंस में ऑफ के अलावा ऑप्शंस हो तो इसी में लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय RBI एज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक? आप इसमें ऑप्शंस तो नहीं है पर आपको बताना है कोई ऐसा बैंक अगर आप जानते हैं जिसे RBI ने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक घोष बताया हो, डिक्लेयर किया गया हो, DSIBS कहा गया हो। ICICI, SBI, HDFC, ठीक है।
SBI कह रहे हैं आप लोग। चलिए, यहाँ पर SBI जो है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने कहा था SBI, ICICI एंड HDFC, डी सिब्स, ऐसे ही कुछ बैंक्स है जिन्हें RBI ने इम्पोर्टेंट बैंक्स घोषित किया है, डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो जी हाँ, तो SIB में ही आंसर है, राहुल जी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चलिए, एज पर IRAC नॉर्म्स, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविजन ऑन NPA अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड विच वॉज अनसिक्योर्ड एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। IRAC के नॉर्म्स के हिसाब से रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविजन NPA पे अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस। अगर NPA जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस से अलग है, तो आपको बताना है इसका रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविजन NPA के लिए, रेट ऑफ प्रोविजन क्या रहेगा IRAC के नॉर्म्स के हिसाब से। एनी आइडिया? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर रेट क्या रहेगा। 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग। IRAC एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन रहता है NPA के मैनेजमेंट के लिए, तो जिसमें रूल्स और कंडीशन रहते हैं इसको डील करने के लिए। तो यहाँ पर इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन कहते हैं IRAC, तो इसमें 25% है आउटस्टैंडिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो यहाँ पर राजीव ने जी ने कहा था 25%, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इन केस ऑफ फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन कस्टमर्स अकाउंट शुड बी क्रेडिट बाय बैंक विद इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन है, तो कस्टमर का अकाउंट कितने दिन में क्रेडिट होना चाहिए बैंक के द्वारा। T+5 days, T+5, T+5। दीपक जी का भी कहना है T+5, T+5। ये जवाब तो आप लोगों को बिल्कुल ही नींद में ही पूछेंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही देंगे, बिल्कुल सही जवाब है T+5। ट्रांजैक्शन के 5 दिनों के अंदर आपको वो अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। चलिए, विच की शिफ्ट टू स्टार्ट ऑफ लाइन इन MS 2003। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, बट बताइए आप लोगों को अगर ध्यान है तो कौन सा की शिफ्ट दबाएंगे अगर हमें कोई लाइन स्टार्ट करनी है एमएस वर्ड में। एनीवन, ऑप्शंस नहीं है, आप बता सकते हैं अगर आपको ध्यान हो तो। कौन सी की दबाएंगे तो शिफ्ट होना, विच की शिफ्ट टू स्टार्ट ऑफ लाइन इन एमएस वर्ड इन 2003। होम दबाएंगे तो होम अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट ऑफ द लाइन में एमएस वर्ड में आ जाएंगे। चलिए, फुल फॉर्म बताइए CISO का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISO। एनी आइडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISO? चलिए देख लेते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। कोई अगर कोई भी कंपनी का कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, उसको CISO कहा जाएगा। जी हाँ राहुल जी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्रीदेवी जी, आपका भी बिल्कुल है सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, फिक्स डिपॉजिट है ए और बी के नाम पर, पेबल है इधर इधर और सर्वाइवर। एक्स हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ ए, मेच्योरिटी पेमेंट किसको दिया जाएगा। ये तो कल का ही क्वेश्चन है, कल ये सेम क्वेश्चन था, राहुल जी ने फटाफट बी जवाब दे दिया है। श्रीदेवी जी का भी कहना है बी, बाकी लोग जो कल नहीं थे सभी लोग अग्री करेंगे इससे, बी को देंगे पेमेंट। अगर जो सर्वाइवर है बी, उसको पेमेंट जो है हम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेम ऑफ द मेडिक्लेम पॉलिसी दैट सिंडिकेट बैंक हैज टाइड अप विथ यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस। जिनको पता हो इस क्वेश्चन का जवाब आप देख सकते हैं। कौन जो मेडिक्लेम पॉलिसी का नाम सिंडिकेट बैंक ने यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस के साथ स्टार्ट की गई है। श्रीदेवी जी कह रही हैं सिंध आरोग्य, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सिंध आरोग्य मेडिक्लेम पॉलिसी है जो स्टार्ट करी थी यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस के साथ। वेरी वेल डन।
सही जवाब दीपक जी और श्रीदेवी जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। परचेसर ऑफ डीडी क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस तो नहीं है बट आप लोगों को पता है कि क्या नहीं कर सकता, तो फटाफट चैट में बता दीजिए कि परचेसर जो है डीडी का वो क्या नहीं कर सकता। कैंसिल, जैसे श्रीदेवी जी ने, राहुल जी ने फटाफट कह दिया है रॉकेट स्पीड से, ये कैंसिल नहीं कर सकते। अविनाश जी का भी कहना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये क्वेश्चन जो है डीडी को स्टॉप नहीं कर सकता, पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता और कैंसिल भी नहीं कर सकता, पेमेंट जो है परचेसर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी फॉर यूनिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सेक्टर, आई एम सॉरी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना है सीजीटीएमएससी जो कवर करता है। राहुल जी कह रहे हैं 2 CR, 50 लाख फॉर RRB एंड 2 CR। श्रीदेवी जी कह रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50 लाख फॉर RRB श्रीदेवी जी का कहना है और 2 CR, ठीक है। सत्येंद्र कुमार जी कह रहे हैं 50 लाख, दीपक जी का कहना है 2 CR, और बाकी साथियों का क्या कहना है फटाफट बताइए। 2 करोड़ इज द राइट आंसर, मैक्सिमम अमाउंट इज 2 CR कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी फॉर यूनिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चलिए सही, बिल्कुल सही जवाब है। इन केस ऑफ ओडी अकाउंट रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, इन केस ऑफ ओडी अकाउंट रिलेशन क्या है बैंक और कस्टमर के बीच में, क्रेडिटर डेबिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर और डेटर कह रही हैं श्रीदेवी जी, राहुल जी कह रहे हैं डेटर और क्रेडिटर, जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं क्रेडिटर एंड डेटर, तुनेश्वर जी भी कह रहे हैं क्रेडिटर एंड डेटर, बैंक जो रहेगा क्रेडिटर रहेगा और डेटर कस्टमर रहेगा डेटर, आपका कहना है। सुंदर जी का भी यही कहना है, दीपक जी कह रहे हैं डेटर और क्रेडिटर का रहेगा, यहाँ पर जो है बैंक जो रहेगा क्रेडिटर रहेगा और जो कस्टमर रहेगा वो डेटर रहेगा, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ने इसको इसको क्या कहते हैं घुमा दिया था, बट यहाँ पर क्रेडिटर एंड डेटर इज द राइट आंसर, बैंक इज द क्रेडिटर एंड कस्टमर इज द डेटर, वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक लाइबिलिटी इन केस ऑफ बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक की लाइबिलिटी का क्या नेचर रहेगा इन केस बैंक गारंटी होगी या लेटर ऑफ क्रेडिट रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, कंटिंजेंट, राहुल जी ने फटाफट कह दिया। ये क्वेश्चन हमने एक लास्ट क्लास में भी इस टाइप का देखा था, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, श्रीदेवी जी का भी कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है कंटिंजेंट कंटिंजेंट, सुंदर जी कह रहे हैं कंटिंजेंट, जो हाँ जो कि बिल्कुल सही जवाब है, बैंक की जो लाइबिलिटी रहेगी वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी रहेगी अगर वो बैंक गारंटी दे रहा है या लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेडिट इश्यू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फॉर ऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विद इन हाउ मेनी डेज कस्टमर हैज टू रिपोर्ट टू द बैंक फॉर 0 लाइबिलिटीज, अगर ऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है तो कितने दिनों के अंदर कस्टमर को रिपोर्ट करना पड़ेगा बैंक को 0 लाइबिलिटी के बारे में। राहुल जी कह रहे हैं 3 डेज, श्रीदेवी जी भी कह रही हैं 3 डेज, बाकी लोगों का, क्या मानना है बता सकते हैं, दया जी, सत्येंद्र जी, तुनेश्वर जी भी कह रहे हैं 3 डेज, 3 डेज के अंदर कस्टमर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुमकुम जी कह रहे हैं 5 डेज, अविनाश जी का कहना है 3 डेज, थ्री डेज, एक ऑप्शन था हमारे पास 5 डेज का, बट यहाँ पर 3 डेज जो है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर, 3 दिन के अंदर कस्टमर को रिपोर्ट करना पड़ेगा 0 लाइबिलिटीज बैंक को। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट बाय DICGC प्रीमियम इज 12 पैसे पर 100 PA, दिस प्रीमियम इज बॉर्न बाय बैंक और कस्टमर और बोथ, राहुल जी कह रहे हैं सिर्फ बैंक बियर करता है, श्रीदेवी जी भी कह रही हैं, दया जी कह रहे हैं 5 लाख बियर करता है बैंक बैंक बैंक, दीपक जी का भी कहना है, जितेंद्र जी ओनली बैंक, सोमदत्त जी का कहना है ठीक है, तुनेश्वर जी का कहना है बैंक बैंक बियर करता है, जो कि बिल्कुल 100% जो है प्रीमियम, कुमकुम जी का भी ये कहना है बिल्कुल सही जवाब, 100% जो प्रीमियम है वो बैंक बियर करता है, जैसे कि आप सभी ने कहा, वेरी वेल डन, फुल मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। एज पर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इशूड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वैलिडिटी ऑफ चेक और डीडी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 हैज बीन रिड्यूस्ड टू, नए आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से 3 मंथ्स आंसर दे रहे हैं राहुल जी। 35A ऑफ BRA वैलिडिटी चेक की और डीडी की अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू की गए हैं तो कितना कितनी रिड्यूस कर दी गई है। दया जी का भी कहना है 3 मंथ्स, दीपक जी अविनाश जी कह रहे हैं 3 मंथ्स, बाकी और लोगों को लगता है, किसी और को लगता है 3 मंथ्स के अलावा तो आप भी लिख सकते हैं। सत्येंद्र जी भी कह रहे हैं 3 मंथ्स। जी हाँ, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इज द राइट आंसर। कुमकुम जी, तुनेश्वर जी ने भी कहा है 3 मंथ्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 3 मंथ्स तक रिड्यूस कर दी गई है, तो जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपको सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। एन अकाउंट हैज बीन ओपन द नेम ऑफ ए लिटरेट पर्सन, ही वॉन्ट्स टू मेक नॉमिनेशन विटनेस फॉर हाउ मेनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू, राहुल जी कह रहे हैं 2 लोगों का विटनेस लगेगा, श्रीदेवी जी का भी कहना है 2, जितेंद्र कुमार जी, अविनाश जी, सत्येंद्र जी, लोकेश जी कह रहे हैं 2, दीपक जी का भी कहना है 2, तुनेश्वर जी का भी कहना है 2। यहाँ पर इलिटरेट होना चाहिए, जो कि आंसर में आप लोग देख पा रहे हैं, तो कोई विटनेस रिक्वायर नहीं होगा क्योंकि इलिटरेट नहीं है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा इंसान है। अगर वो इलिटरेट होता तो टू विटनेस, जैसे आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब, बट यहाँ पर लिटरेट पर्सन की बात कर रहे हैं तो कोई भी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स है, एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, अगर लिटरेट पर्सन लिखा है तो नो विटनेस होगा, पर अगर इलिटरेट है तो जैसे आप लोग सभी कह रहे हैं 2 डेज टू विटनेस जो है वो सही जवाब होगा। जी तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे एंड हो रहा है आज का सेशन। आप लोगों को सतर्क रहना है, ये क्वेश्चन सिखाता है, नजरों के धोखे में नहीं आना है कि इतने सारे क्वेश्चंस हमने एग्जाम में देखे फिर मिस कर दिया एक एक छोटा सा वर्ड, वर्ड नहीं लेटर, तो आंसर गलत हो जाएगा, बट ध्यान रखिएगा। चलिए इसी 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 के साथ आज का जो सेशन है उसको हम एंड करते हैं, विराम देते हैं। आज का जो कोट कह रहा है, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। तो अगर हम लोगों कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि हमारी पावर कितनी स्ट्रांग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन हमें जुड़ने के लिए और ऐसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कीप लर्निंग, अपने लॉगिन सेक्शन में जाके ऐसे ही, और आप लोग के पास अगर टाइम हो तो स्टडी करते रहिए और हमारे सेशंस में जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को गुड नाइट, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।